उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोहरे के कारण बसों की रफ्तार थम गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि बढ़ते कोहरे के मद्देनज़र अब बस स्टेशनों से रात्रि 10 बजे के बाद बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि बस किसी रास्ते में होगी तो वो 12 बजे तक के लिए किसी भी ढाबा और किसी भी नज़दीकी बस स्टेशन पर रुक जाएगी, जहाँ पर यात्रियों को बनाए गए रैन बसेरे में आराम कराने के बाद सुबह को सुबह ही उन्हें अगले स्थान पर पहुँचाने का काम किया जाएगा। मकसद यही है कि सड़क दुर्घटनाओं से यात्रियों को बचाया जा सके और सुरक्षित उनको आगे के स्थान पर पहुंचाया जा सके। देखा गया है कि कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसे में काफ़ी समस्याएं भी पैदा होती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं कि अब रात्रि 10 बजे के बाद बस स्टेशन पर बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और स्टेशन पर रैन बसेरे भी बनाए जाएंगे। मुरादाबाद के सभी बस स्टेशनों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बढ़ते कोहरे के कारण बसों की रफ्तार थम गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में बढ़ते कोहरे के मद्देनजर रात्रि 10 बजे के बाद बस स्टेशन से बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सुबह के समय बसों का संचालन बस स्टेशन से शुरू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि बस यदि किसी रास्ते में है और 12 बज चुके हैं तो ऐसे में किसी भी ढाबे या बस स्टेशन पर रोककर यात्रियों को रात्रि विश्राम कराया जाए और सुबह में बस को चलाया जाए, जिससे सड़क दुर्घटना से बचा जा सके और यात्रियों को सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचाया जा सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी बस स्टेशनों पर रैन बसेरे भी तैयार किए गए हैं। यहाँ पर यात्रियों को वहाँ पर ठहराया जाए और सुबह के समय उन्हें आगे के स्थान पर पहुँचाया जाए। मकसद यही है कि कोहरे के कारण कोई सड़क दुर्घटना न होने पाए और यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। मुरादाबाद जनपद के सभी बस स्टेशनों पर आदेश जारी कर दिए गए हैं कि रात्रि 10 बजे से स्टेशन से बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। संचालन सुबह में शुरू किया जाएगा, जिससे चालक और परिचालकों के साथ बस यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। पीतल नगरी रोडवेज के वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी चंद्रभान सिंह का ही कहना है कि शासन के आदेश पर बस स्टेशनों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां पर यात्री उसमें ठहर सकते हैं और सुबह उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए काम किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोहरे के कारण सरकार ने ये फैसला लिया है। देखा गया है कि बढ़ते कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें रोडवेज चालक और परिचालकों के साथ यात्री भी उसका शिकार होते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर अब ये निर्णय लिया गया है कि ठंड के समय में रात्रि 10 बजे से सुबह बस संचालन स्थगित कर दी गई है। कल हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा और हमारे प्रबंधक निदेशक महोदय द्वारा ये BC में आदेश किया गया है कि कोहरा बहुत अत्यधिक आ रहा है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में ना पड़े और हमारे चालक परिचालक भी सुरक्षित रहें। तो 10 बजे से लेकर सुबह तक जो रात की सेवाएं हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है और जो बाहर से आने वाली उस बीच में चलने वाली बसें हैं और कोहरा शाम को आ जाता है तो उन स्टेशनों पर ही रोककर उन यात्रियों को उनकी पूरी सुविधा के लिए तैनाती की गई है। तो हम लोग बस स्टेशन पर राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं और रात भी हमने 16 बसें हमारी जो पीतल नगरी कटघर बस स्टेशन पर आई थी उनके लगभग 182 यात्री यहाँ उतार कर उन्हें पूरी सुविधा दी गई और सुबह उनके गंतव्य के स्थान तक पहुँचाया गया। क्योंकि इस समय कोहरा पूरे उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है, बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो शासन की मंशा यह है कि कोई भी जान ना जाए, जान बहुत कीमती है मनुष्य की, तो इसको रखते हुए विभाग ने हमारे प्रबंधक महोदय जी ने निर्णय लिया है कि रात में हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और कोई भी वाहन संचालन नहीं करेंगे जब तक ये कोहरा आ रहा है। और जैसे ही उस दिन में हमारी सारी लोकल सेवाएं उन यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाने में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे रैन बसेरे की व्यवस्था हमारी शुरू हो गई है, रेस्ट रूम हमारे बने हुए हैं, गद्दे वगैरह हमारे सब यहाँ हैं, लिहाव गद्दे उन यात्रियों को पूरी ठंड से बचाने के अलाव जलाए जा रहे हैं और चालक परिचालकों की निरंतर काउंसलिंग की जा रही है क्या कोहरे में गाड़ी ना लेके चलें, रास्ते में जहाँ भी कोहरा आ जाता है उन्हें ढाबों पर खड़ी कर लें, होटल पर खड़ी कर लें, बराबर के स्टेशन पर खड़ी कर लें, पर किसी भी दशा में कोहरे में वाहन संचालित ना करें
जिससे कि कोई जान जोखिम में हम डाल सकें। चंद्रभान सिंह ये भी कहते हैं कि बसों की हालत बहुत खराब है, ऐसे में रखरखाव के लिए भी विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल है कि बसें अच्छी होनी चाहिए और ये हमारे शासन का और निगम प्रबंधन का ये प्रयास चल रहा है कि जल्दी से जल्दी बसें सारी ठीक कराई जाएं और बसें ठीक होनी चाहिए। उसको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है कि बसों में फॉग लाइटें, शीशे, कहीं से लीकेज ना हो, हवा ना जाए, पूरी सुविधाएं यात्रियों को देने का हमारा प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर रोडवेज पर बस यात्रियों की संख्या अब कम दिखाई दे रही है और ठंड के चलते रोडवेज को काफी नुकसान भी आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में प्रदेश की सरकार ने बढ़ती ठंड और कोहरे के मद्देनजर ये फैसला लिया है कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह तक बस यात्रा पूरी तरह स्थगित की जाए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और चालक व परिचालक की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सके।